और गाइज आज महाशिवरात्रि है, बाबा महादेव का दर्शन करने कहीं चलेंगे। हाँ तो चलिए पीछे घुस गए पार्थ, चलते हैं भाई, बैठो। रथ हमें हाँकने दीजिए। कितना क्रीम पोते हो यार, एकदम व्हाइट हो गए हो। क्रीम नहीं लगाते हैं ब्रो, देख रहे हो भाई। ये सब प्रकृति का देन है, प्रकृति का कोई देन नहीं है, लग रहा है आटा पोत लिया है। रथ हाँके ना। हाँ चलो आपको पूरा सीन दिखाई दे रहा होगा, ये टू शेड पीछे का और इस साइड से दोस्तों मैं आपको दिखाई रहा हूँ। कितना भीड़ है आपको दिखा दो, इस समय राउंड राउंड का समय चल रहा है फिलहाल। और गाइस देखिए यहाँ पर कितने घंटा हो गए हैं फिलहाल, बहुत सारा सामान दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको दिखा दे रहा होगा यहाँ पर ए टू जेड सीन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। और नीचे की तरफ चलते और गाइस यहाँ से निकलते हैं हम लोग, आपको सीन दिखा दिए हैं ऊपर चढ़कर। नीचे के चलक चलते हैं, उसके बाद नीचे से आपको सीन दिखाएंगे। गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा हवन हो रहा है, आपको दिखाई देता होगा इस कटे और गाइस यहाँ से जूता उतर पाए उसके बाद चल रहे हैं। और गाइस आपको पूरा सीन दिखा दिए हैं और उसके बाद दिखा देंगे और गाइस चल गए यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ भाई देखिए साइड में कितना भीड़ है। आगे चलकर नीरज भाई देखिए क्या खाना चाहते हैं, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। आगे चलो और यहाँ पर देखिए कुछ खा लो, घूम लेते हैं पहले, गाइस पहले घूम लेते हैं उसके बाद खाएंगे। हाँ अंगूर खाओगे? अंगूर तुम अंगूर खाओगे कि हेयरबैंड कर लोगे? हेयरबैंड हेयरबैंड कर लोगे? ले लो ले लो पहले ले लो, उधर से लेंगे उधर से लोगे। अरे यार चलो नीरज भाई जलेबी। हाँ जलेबी खा लो, चलो कहाँ गर्म निकल रहा है। गुरैया हम नहीं खाते, गुरैया गुरैया खाओगे? तुम कौन खाओगे? ये वाला की ये वाला गर्मा गर्म जलेबी खा लो क्या? गर्मा गर्म है कितना लोग आधा केजी हो गया। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। जलेबी गरमा जलेबी गरमा जलेबी गरमा ये तो पैक गरम नहीं थे। ओके भाई इतना मोटा है बढ़िया। देखो गाइस इतना की खरीदा है, कर बहुत ज्यादा खाना खाई। अच्छा जे खाई वो पछताई, जे ना खाई देखो बस अपने इतार है। दे भैया
हमको भी देखा तुमको डॉक्टर मना ना किया कि मीठा नहीं खाना है डॉक्टर मना किया गाइस बहुत टेस्टी लग रहा है भागो भागो हेरा क्या हुआ तब खाना डॉक्टर मना किया है कि तुमको ये भी नहीं खाना है मीठा नहीं खाना हाँ नहीं सही है बहुत भीड़ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को आप क्या खाओगे खा लो खत्म करो ले लो आप खा लो आइसक्रीम खाओगे नहीं सर्दी हो जाएगा अच्छा सर्दी हो जाएगा अरे कब क्या खाओगे उसके बाद रोटी खाएंगे पूरा ये बच्चों वाला काम कर रहे हो मेला में कुछ तुम जो कहोगे वो सामान चलाओ आधा पाउंड भी मिलूंगा अच्छा और कहोगे इतना बड़ा है ना फिलहाल आपको दिखाई दे रहा हूँ कितना भीड़ है और नीरज वो खरीदोगे वो लोगे देखिए नीरज कहाँ गया नीरज भाई को ढूंढना पड़ेगा दोस्तों नीरज भाई क्या कर रहे हो उधर झूला झूलोगे खाली है दो खाली ए अंकल जी हाँ भैया इसको बैठा दे अरे तू बच्चों को बैठा दे तो तुम क्यों उस पर रोने के लिए आओ हम फुल्की खाओ फुल्की खाओगे चलो चलो गाय जी एक गोलगप्पा खाने के लिए जा रहा है कहाँ पर उसके उनके क्या चल यार हिंदी में पहले देख अरे लड़का खाता चोरी के जाए पानी पिए दूसरे वो तो पानी भी ना है पानी ना अरे मेरा सबके घर में डाल रहे टेम्पू ये गुड्डू भैया गुड्डी दी ना गुड्डी दी ना नंबर पूरा बहुत पाओ कहाँ वाली मेला में खाने का स्वाद ही अलग है मेला का बात ही अलग है चलते हैं यहाँ पर खा लिए और आगे चल कर पानी पीते हैं उसके बाद हाथ धोते हैं यहाँ पर आइसक्रीम खिला दे खा लो आइसक्रीम खाओक्रीम दो निकाल पैसा कौन देगा हमको लगा कि तुम्हारा बर्थडे है अच्छा बर्थडे इसीलिए चलने लगे ना गाइस नीरज के हवाले हम अपना पर्स कर दिए हैं जितना चीज खाना है खा लेगा यार इसको जो खाना होगा खा लेगा फिलहाल तो
अच्छा नीरज यहाँ पे हेयरबैंड मिलेगा ले लो, यहाँ पे हेयरबैंड मिलेगा। ये अंकल जी ठग रहे हैं। अच्छा आगे चलो, यहाँ पर गाइस बच्चों का झूला दिखाया। नीरज बहुत ही रिक्वेस्ट किया इसको बैठने के लिए, लेकिन अंकल जी नहीं बैठाए इसको। नीरज रिक्वेस्ट और करो, उस पर चलो भाई, उसको उस वाले पर देख लो कितना मोटा इंसान बैठा है। नहीं जाएगा ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं दुगुना पैसा दिया जाएगा, दुगुना पैसा दिया जाएगा। अरे जाओ यार, दुगुना पैसा दिया जाएगा। अरे उसका नुकसान हो जाएगा, चलो यार चलो, उसको बैठो उसको, यहाँ पे हमारे लायक कोई भी चीज नहीं है। हो गया यार, चलो तब क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राज नीरज भाई आई लव यू लिया है। ₹200 का लिया, वो इतना महंगा है। चाउमीन खाओगे? चलो चाउमीन, और चाउमीन खा लेते यहाँ पर, अभी बन रहा है आगे चलो। देखो कहाँ पर चाउमीन है, नीरज भाई यहाँ पे जैसी ले लो गए ना, हमको चिड़िया वाला पिपेड़ी चाहिए। चिड़िया वाला पिपेड़ी कहाँ से आओ, बड़का पिपेड़ी ले लो। नहीं बड़ा का नहीं चाहिए, हमको चिड़िया वाला चाहिए। पूछो पूछो अंकल, चिड़िया वाला नहीं है तो आप कहाँ से लोगे भैया? आगे बढ़ो, चिड़िया वाले को उतारू। अरे यार मुझे तो चाउमीन खराब। अच्छा तो चाउमीन कहाँ पर मिलेगा? अरे पीछे कहाँ, चलो चलो आओ चलो। नीरज भाई यहाँ पर तो अभी चाउमीन बन रहा है, इंतजार करोगे? ये दिखाओ। अरे ये कहाँ सब रख रहे हैं, ये चाहिए तुमको, चाहिए फिलहाल। इस समय मेला के तरफ से रवाना हो चुके हैं, इस समय निकलने वाले। आपको मंदिर लो दिखाई दे रहा होगा, और चमन बनकर रेडी हो गया है यहाँ पर, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए नीरज भाई गुब्बारा लगाया है, गाइस अभी खा का फिर आपसे पूरा सीधा खाते जा रहे हैं। ये क्या हो गया नीरज भाई? अरे यार क्या हो गया, नीचे गिरा लिया हो क्या? गाड़ी जमा किया था, गाड़ी लेकर आ रहा है फिलहाल, इस समय पैसे दे रहा है, पैसे देकर उसके बाद लेकर आएगा। हम लोग की गाड़ी नीरज भाई लेकर चले आएंगे, खड़ा किए थे जो कि जमा किए थे, चल रहे हैं। और नीरज भाई बाहर आकर खोज रहे थे, जो बता रहे पिपेड़ी वो नहीं मिला है, आगे चलकर मिलता है तो फिलहाल ले लेंगे। दूसरे मंदिर से लेंगे, अब दूसरे मंदिर से लोगे? अब दूसरे मंदिर से लेंगे, लेकिन लेंगे लेंगे। अच्छा दूसरे मंदिर पर जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पर नीरज भाई बहादुरपुर गाँव में आ चुके हैं, जो कि शिव मंदिर है यहाँ का प्रसिद्ध। इसका हिस्ट्री भी है दोस्तों, मैं आपको पूरा बताऊंगा कभी भी इसके बारे में, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस समय बहादुरपुर शिव मंदिर पर, और मेरे सर भी यहाँ पर है, सतेंद्र सर। और गाइस पूरा पीछे अंदर का सीन दिखाएंगे, यहाँ पर नीरज भाई बोल रहे हैं चलते हैं। बगल में बजरंगबली की मूर्ति है, और यहाँ पर नंदी महाराज हैं, और अंदर चलते हैं। गाइस देखिए कितना भीड़ लगी है, आपको सीन दिखाई देता हूँ। यहाँ पर शिव जी हैं फिलहाल, आपको इस समय दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर माता जी जो कि अगरबत्ती दिखा रही है भोले बाबा को, और फिलहाल देखिए गाइस मैं बता दूँ इस समय जो कि भोले बाबा हैं,
यही पर उत्पन्न हुए हैं बहादुरपुर ग्राम सभा की। और इस साइड भी भोले बाबा का सीन आपको दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल मैं बेल बजाकर और दर्शन करके चलता हूँ। फिलहाल गाइस यहाँ से चलते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए बालक प्रसाद ले रहा है और प्रसाद लेते हैं दो भाई प्रसाद और प्रसाद लेकर चलेंगे। दोस्तों हम लोग आ गए इस समय फिलहाल नीरज भाई के घर पर छोड़ने के लिए और नीरज भाई को इनके घर पर छोड़ दे हैं। उसके बाद चलेंगे हम अपने घर। और गाइस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक लिए बाय बाय टाटा। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। ठीक है दोस्तों तब तक लिए बाय बाय टाटा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।